मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों आपस में फर्टिलाइज होंगे, दोनों आपस में फ्यूज होंगे, मेल गैमेट दैट इज स्पर्म, फीमेल गैमेट दैट इज एग, दोनों आपस में फ्यूज हो रहे हैं। मूवमेंट जो होगा वो स्पर्म्स का होगा, सेमीफेरस ट्यूब्यूल से बनेंगे और पूरे पाथवे के थ्रू बाहर निकलेंगे, यूरेथ्रा से बाहर निकले, फीमेल के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर भी वो पूरा मूवमेंट करेंगे और मूवमेंट करके अल्टीमेटली पहुंच जाएंगे फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। तो आप खुद सोचो कि कितना बड़ा पाथवे उनको जो है कंप्लीट करना होता है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से बन के निकलेंगे फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर जाएंगे, एक बहुत बड़ा पाथवे उनको कंप्लीट करना होता है, ट्रैवल करना होता है। तो इसलिए स्पर्म्स नंबर में बहुत ज्यादा होते हैं, मिलियंस में होंगे, क्योंकि भाई वो एक लंबा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं, खत्म भी हो सकते हैं और होते हैं खत्म बहुत सारे। आपका अल्टीमेटली केवल एक स्पर्म जो होता है वही एग के साथ फर्टिलाइज होता है, बाकी तो सारे के सारे डीजनरेट हो गए मिलियंस में से, आप खुद सोचो। लेकिन एग को ऐसा कुछ नहीं करना, एग को तो ओवरी में से निकल के सिर्फ फैलोपियन ट्यूब तक आना है, तो उसको कोई लंबा डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करना होता, इसलिए केवल सिंगल एग बनता है। ये बात समझ में आई एवा, वेदांत, सौम्या, सुमित सभी को? यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है, दैट इज कि आपका एग हमेशा सिंगल होगा और स्पर्म्स हमेशा नंबर्स में होंगे, बहुत सारे होंगे, मिलियंस में। तो आपके दोनों गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन हो गया कहां पे? फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब के अंदर ये दोनों आपस में फ्यूज हो गए एंड यहाँ पे आपका बन गया जायगोट, और जायगोट आपका कहां पहुंच गया? यूट्रस, जहां पर आपका डेवलपमेंट हो गया आपका, दैट इज एम्ब्रियो। तो यही चीज यहाँ बताई, द स्पर्म्स रिलीज्ड इन वजाइना ड्यूरिंग कॉपुलेशन, कॉपुलेशन का मतलब रिप्रोडक्शन, मूव्स टुवर्ड्स फैलोपियन ट्यूब फ्रॉम यूट्रस, यूट्रस से होते आपके फैलोपियन ट्यूब में आ गए स्पर्म्स एंड यहाँ पर फर्टिलाइजेशन आपका फाइनली हो गया ओविडक्ट यानी फैलोपियन ट्यूब में। और मैंने आपको पहले भी समझाया था स्पर्म का केवल जो एक्रोसोम होता है, हेड वाला पार्ट होता है, हेड में भी जो पॉइंटेड पार्ट होता है सबसे आगे की तरफ जो पॉइंटेड पार्ट होता है, केवल वो ही फीमेल के एग से जाके आउटर लेयर से जाके फर्टिलाइज होता है। आउटर लेयर को जो रप्चर करता है वो केवल एक्रोसोम करता था, और आउटर लेयर का नाम क्या होता है? दैट इज जोना पेल्यूसिडा। इट इज ऑल डिपेंड ऑन यू, आप याद करना चाहो याद कर सकते हो, आप स्किप करना चाहो स्किप कर सकते हो। यहाँ पे मैंने सिर्फ आउटर लेयर का नाम बताया है, जोना पेल्यूसिडा और एक्रोसोम। एक्रोसोम ही क्यों? क्योंकि मैंने बताया था एक्रोसोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, दे हैव हाइड्रोलिटिक एंजाइम, तो ये आपकी जोना पेल्यूसिडा को रप्चर कर देते हैं एंड देन फिर जो न्यूक्लियस होता था जिसमें डीएनए प्रेजेंट होता है स्पर्म्स में मेल का, वो आके एग के अंदर चला जाता था। सो दैट्स हाउ फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। इज इट क्लियर एवा, वेदांत, सौम्या, सुमित सभी को समझ में आई वाली बात बच्चों? यस सर, यस सर, यस सर। जस्ट जस्ट राइट डाउन, यहां तक लिख लो, ठीक है बच्चों, सिर्फ यहां तक लिखो, क्लास ओवर हो जाएगी तब तक।